साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाश कितने बेखौफ हैं, उसकी बानगी सीसीटीवी की ये तस्वीरें साफ बयां कर सकती हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें, दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर लूट लिया जाता है, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 14 इलाके की ओल्ड DLF कॉलोनी इलाके में एक दीपक नाम का शख्स, जो कि अपनी बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से एक बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश आए और दीपक की बाइक के साइड में आते ही उस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इतने में बाइक सवार दीपक नीचे गिर गया और बदमाश उससे पैसों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। दीपक को दो गोलियां लगी हैं, उसको मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली मारी किसको? पता नहीं कौन थे, कौन। कितने बजे की घटना है ये तो सर नहीं पता मुझे। कितने लोग थे, किसको गोली मारी? बाइक पर जा रहे थे लोग, और जैसे हमने तो वो जानी जो मोटरसाइकिल में फटाके से चलते नहीं है, बुलेट के जाने दिए। जैसे ही मैंने आवाज देखी और वो भागने लगे, जैसे ही बैग छीना और बैग छीन के वो भागे, वो हाथ जोड़ रहा था, भाई मेरे बैग छोड़ दो, बैग ले जाओ और मेरी जिंदगी छोड़ दो। जब मैं तो रोटी खाती खाती रोटी में फेंक के भाग गया, अल्लाह मचा दिया भाई, कोई बचाओ बचाओ, इधर से ये NIT के बच्चे भागे, कोई इधर उधर से निकला। गुरुग्राम में दिन दहाड़े हुई ये वारदात इलाके में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के ACP, DCP समेत दर्जनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और मौके से सबूत उठाए। पुलिस के मुताबिक घायल दीपक मोबाइल शॉप से कैश कलेक्शन करने का काम करता है। बदमाशों ने कितने रुपए लूटे हैं, इसके बारे में तो दीपक के बयान के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। दीपक नाम का लड़का है जो मोबाइल फोन रिचार्जेस की कलेक्शन करता है, जैसे आप और हम मोबाइल रिचार्ज करा लेते हैं, उसकी कलेक्शन के लिए आया था यहाँ, और इसके ऊपर अटेम्प्ट हुआ है लूट का, और इसको गोली लगी है। अभी मेदांता में दाखिल है, DCP वेस्ट वहाँ गए हैं, और हम ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको वर्कआउट करने में लगे, और उम्मीद है कि जल्दी वर्कआउट। कितनी गोली लगी थी? अभी दो आई हैं बताने में। और बदमाश कितने थे, कितनी संख्या? तीन लड़के मोटरसाइकिल पे। लूट हुई है सर? अभी डिटेल्स जो है वो एक्चुअली वो बता रहे हैं कि हम देख के बताएंगे, क्योंकि उसी लड़के को पता है और जो जेर इलाज है। CCTV फुटेज में कैद हुए? हाँ, CCTV फुटेज मैंने भी यहाँ मौके पे देखी है, कई जगह लगे हुए हैं, उनकी सबकी फुटेज ले रहे हैं, उसको एनालाइज करके किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ी क्या कुछ बदमाशों के बारे में कुछ पुख्ता जानकारी मिल पाई है सर? वो कुछ है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने जो बताया है उसकी हुलिये के मुताबिक हम अपने पुलिस रिकॉर्ड में छानबीन जैसे करते रहे हैं और ट्रेस करते आए हैं, उसी मुताबिक अभी देखेंगे, और उनमें मिलता है तो जल्दी वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है।